नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और आप देख रहे हैं दोपहर दमदार। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंदौर में डिजिटल अरेस्ट का एक नया मामला सामने आया। 3 महीने के अंदर यह तीसरा अपनी तरह का एक मामला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती डिजिटल अरेस्ट हुई। दरअसल केंद्रीय जांच एजेंसी बनकर ये साइबर फ्रॉड किया गया। 3 घंटे तक युवती को डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया। पासपोर्ट को आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा बताकर फ्रॉड आरोपियों ने एफडी वाले पैसे ट्रांसफर करवा लिए और ये बीते कुछ समय में अपनी तरह की तीसरी बड़ी घटना है। आपको बता दें कि ये 3 महीने ही के अंदर 3 बड़े मामले हो चुके हैं। अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इससे पहले भी 2 ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसमें कि डिजिटली अरेस्ट कर लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया और ये तीसरा अपनी तरह का एक मामला जिसमें एक युवती को डिजिटल अरेस्ट कर उससे एफडी वाले पैसे ट्रांसफर करवा लिए गए और उसे डराया धमकाया गया और पासपोर्ट को आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा बताकर उसे पहले डराया गया। देशद्रोह का मामला चलाया जाएगा, इस तरह की धमकी दी गई और उसके पासपोर्ट को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बताकर पहले उसे डराया गया और फिर इस पूरे मामले में उन फ्रॉडियों ने एफडी में रखे पैसों को ट्रांसफर करवा लिया। आपको बता दें कि ये अपनी तरह का तीसरा मामला बीते 3 महीनों में सामने आया। ये इंदौर से सामने आया पूरा घटनाक्रम, हाउस अरेस्ट का ये मामला। 3 महीने के अंदर 3 मामले हो चुके हैं और टारगेट पर होते हैं इसी तरह के लोग जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आईटी इंजीनियर हैं। इस तरह की लोगों को शिकार बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि केंद्रीय जांच एजेंसी बनकर साइबर फ्रॉड किया गया। 3 घंटे तक युवती को डिजिटली अरेस्ट करके रखा गया और पासपोर्ट आतंकवादी गतिविधियों से जुड़ा हुआ बता दिया युवती का और आतंकवादी गतिविधियों में जुड़ा बताकर उसे पहले डराया गया, उस पर कार्रवाई किए जाने की बात कही गई और फिर किसी तरह से यहां एफडी वाले रुपए ट्रांसफर करवा लिए गए। डिजिटल हाउस अरेस्ट का ये तीसरा मामला है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर युवती डिजिटल अरेस्ट हुई और केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारी बनकर उन्होंने फ्रॉड की इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और फ्रॉड में पहले डिजिटल अरेस्ट किया गया युवती को और 3 महीने के अंदर अपनी तरह का ये तीसरा मामला। इससे पहले भी 2 मामले सामने आ चुके हैं। दरअसल पासपोर्ट को आतंकवादी गतिविधियों में शामिल बताकर फ्रॉड तरीके से पहले उसे डराया गया और उस पर एक्शन की बात कही गई और इसके अलावा आरोपियों ने एफडी के पैसे भी अपने पास ट्रांसफर करवा लिए और इंदौर से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया जहां पर पढ़ी लिखी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को फ्रॉड का शिकार का सामना करना पड़ा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस पूरे मामले में किस तरह से काम करते हैं ये साइबर फ्रॉड। नए तरह का एक ट्रेंड चल पड़ा है। 3 महीने में तीसरा मामला। मिथिलेश से बात करेंगे। मिथिलेश, ये डिजिटल अरेस्ट करके अपनी तरह का तीसरा बड़ा मामला सामने आया है और तीनों ही बार पढ़े लिखे लोगों को टारगेट पर लिया गया। बिल्कुल सही कहा आपने आशीष की, ये पढ़े लिखे जो वर्ग के लोग हैं ये उसके शिकार हो रहे हैं। इंदौर का ये तीसरा मामला सामने आया है और इससे पहले 2 डॉक्टर इसके शिकार हुए थे और तीसरा मामला जो सामने आया है वो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उनके साथ में ये फ्रॉड हुआ है। 12 लाख रुपए आरोपियों ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिया और धमकी क्या दी कि आपके जो पेपर है, जो आपके पासपोर्ट के पेपर, आधार कार्ड, इनका जो इस्तेमाल है ये आतंकवादी गतिविधियों में इसका इस्तेमाल हुआ है। आपने एक कोरियर बुक किया था, उस कोरियर में ड्रग्स निकला है, आपको जांच में सहयोग करना होगा। देश की बड़ी जांच एजेंसी आपसे पूछताछ करेंगी। मैं सीबीआई से ऑफिसर बात कर रहा हूं, सीबीआई, साइबर क्राइम, आरबीआई, तमाम जो बड़े अधिकारी वो आपसे पूछताछ करेंगे और आपको पूछताछ में सहयोग करना होगा वरना आप गिरफ्तार हो जाएंगे। अगर आपने ये बात किसी से शेयर की, अपने परिवार में किसी को बताई तो आपके माता पिता की जान जा सकती है क्योंकि आतंकवादी आपके घर पर अपनी नजर रखे हुए हैं। इस बात से वो काफी डर जाती है और करीब 3 घंटे तक वो डिजिटल अरेस्ट रहती है और बातों में उनसे उनके अकाउंट का डिटेल ले
लिया जाता है और उनके अकाउंट से 12 लाख रुपए उनके आरोपियों ने अपने खाते में ट्रांसफर भी करा लिए। ये वो 12 लाख रुपए थे जो अगले महीने उनकी शादी होने वाली थी, उस शादी में ये 12 लाख रुपए इस्तेमाल होने वाले थे। यानी जो उन्होंने मेहनत से पैसा कमाया था, जो उनकी जमा पूंजी थी, वो जमा पूंजी के 12 लाख रुपए थे और 12 लाख रुपए जो है अब जो है आरोपियों के खाते में ट्रांसफर हो चुके हैं। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और ये अकाउंट नंबर जिस खाते में ट्रांसफर किया गया वो किस पता पे है, कहां पे उसका अकाउंट खोला गया था, कहां पे रजिस्टर्ड, हर एक चीज को लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। लेकिन पढ़े लिखे लोग साइबर फ्रॉड के शिकार हो रहे हैं और ये इंदौर का तीसरा बड़ा मामला सामने आया जिसमें लाखों रुपए आरोपियों ने अपने खाते में ट्रांसफर करा लिए। बहुत बड़ी ये अपनी तरह की घटना है, लेकिन इस पूरे मामले में मिथिलेश अभी उन आरोपियों तक पहुंचने में कुछ समय लग सकता है, लेकिन ऐसे आरोपियों को जल्द पकड़ करके इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए एडवाइजरी की आवश्यकता है। प्रशासन इस ओर क्या आगे कदम उठाता है ये भी देखने का विषय होगा। और जो दर्शक हमारे इस तरह की घटनाओं के बारे में जिन्हें जानकारी मिल रही है न्यूज 18 के माध्यम से, मिथिलेश मुझे लगता है कि लोगों को भी अलर्ट हो जाना चाहिए। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी फोन आता है, इस तरह किसी भी कोई एजेंसी अगर आपसे संपर्क करती है कि हम आपकी जांच करें, पहली बात एजेंसी कभी आपको वीडियो कॉल करके फोन पर कॉल करके आपको इन्वेस्टिगेट नहीं करेगी। एजेंसी के द्वारा जो प्रोसीजर फॉलो किया जाता है उसका एक तरीका है और ऐसे किसी भी मामले में लोकल पुलिस की आप मदद ले सकते हैं और स्थानीय पुलिस को आप इसके बारे में सूचना दें और इसके बारे में बात करें ताकि इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके। बहुत शुक्रिया मिथिलेश आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। उसके पास फोन आया और ये बताया गया कि आपके डॉक्यूमेंट्स गलत यूज हुए हैं, जो फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से बोल रहे हैं और आपका जो कस्टम है आपके रोक लिया गया है और उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और सीबीआई से बात कराई, सीबीआई बनकर, क्राइम ब्रांच बनकर और कस्टम ऑफिसर बनकर इसको लगातार थ्रेट दिया गया और ये बोला कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो यूज हुए हैं आतंकवादी गतिविधियों में, यूज हुए टेररिस्ट एक्टिविटीज में और आपने अगर इसको कहीं भी शेयर किया तो इसके अगर आपने कहीं भी शेयर किया तो आपके पिता को, माता पिता को जान से खत्म कर दिया जाएगा। मैंने बताया कि कोई भी एजेंसी आपसे पैसा नहीं मांगती, नंबर वन। कोई भी एजेंसी डायरेक्ट आपसे ये बोले कि आपके खिलाफ कंप्लेंट आई है तो आप ये मान के चलिए कि और सीधे आप वीडियो कॉल पे आपकी इन्वेस्टिगेशन होनी है तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। कोई भी आपसे अगर पैसा मांगता है, ऑनलाइन पैसा मांगता है फोन करके अपरिचित कोई भी एजेंसी वाला बनकर, चाहे सीबीआई या क्राइम ब्रांच, तो आप ये मान के चलिए फ्रॉड है। आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन अगर अननोन व्यक्ति के साथ या सोशल मीडिया पर करते हैं उसको बहुत अच्छे से वेरीफाई करने के बाद ही किया जाए। सबसे इम्पोर्टेंट ये है अगर आपके पास कोई इस तरह के कॉल्स आते हैं आप तत्काल अपने जो परिजन से और अपने साथ के जो किसी भी व्यक्ति से शेयर जरूर करें। लोग घबरा जाते हैं और उसको शेयर नहीं करते हैं और इतनी जल्दी से उसको ट्रैप किया जाता है, उनको सोचने समझने का मौका नहीं मिलता है। पेशेंस रखें, चीजों को समझें, सुने, उसके बाद उसको शेयर करें, फिर आगे बढ़ें। और नर्मदापुरम से न्यूज 18 की खबर का दमदार असर हुआ। दरअसल कल न्यूज 18 ने खबर दिखाई थी कैसी इटारसी रेलवे स्टेशन पर वेंडर डिस्पोजल पैकेज को दोबारा धो करके यूज कर रहे हैं। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद रेलवे प्रशासन जागा और इटारसी रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 और 5 के खानपान स्टॉल्स को सील कर दिया गया है। और ये जो तस्वीर आप देखिए किस तरह से डिस्पोजल कंटेनर्स को धो करके फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। डिस्पोजल का इस्तेमाल यूं भी खतरनाक होता है, गर्म खाने को पैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करना सीधा सीधा जानलेवा हो सकता है और ऐसे में रीयूज इसे किया जा रहा है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक है। और रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर जो पानी लोगों के लिए पीने के लिए रखा गया है उसका इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, देखिए कई तरह के मामले इसमें बनते हैं। एक तो भीषण गर्मी में जहां पानी की कमी है, उस पानी की कमी के बीच रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर भीषण गर्मी में तपते लोग जो अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं उनके पीने के पानी को किस तरह से ये शख्स बर्बाद कर रहा है। और धोखा किया जा रहा है उन लोगों के साथ जो विश्वास करके इस डिस्पोजेबल को ठीक समझकर इसमें खाने पीने का सामान पैक करवा लेते हैं। लेकिन अब आपको ऐसा कंटेनर कहीं भी दिखाई दे तो इस बारे में आप ज़रूर सोचिएगा कि क्या ये कंटेनर इस्तेमाल करने योग्य है या नहीं, क्योंकि तस्वीरों में आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से कंटेनर्स को, ये जो एल्यूमिनियम फॉइल से बने हुए कंटेनर्स हैं इनको धो करके फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है। तो आपके साथ कहाँ और किस तरह से धोखाधड़ी की जाएगी ये कहा नहीं जा सकता और ऐसे में बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है।
और सागर में अधेड़ की हत्या और भतीजी की संदिग्ध मौत के बाद राजनीति तेज हो गई है। दरअसल कमलनाथ ने एक पोस्ट कर बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाया और सवाल किया कि इस मामले में बीजेपी संरक्षित आरोपियों को सजा कब मिलेगी। दरअसल सागर में लगभग एक साल पहले एक युवती से छेड़छाड़ होती है और जब इसकी शिकायत की गई तो आरोपी पीड़िता के भाई की हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद पीड़िता और उसके परिवार पर लगातार समझौते का दबाव बनाया जाता रहा। परिवार जब समझौते के लिए तैयार नहीं हुआ तो दो दिन पहले पीड़िता के चाचा की हत्या हो गई। और इतना ही नहीं, पीड़िता के चाचा के शव का पोस्टमार्टम कराकर जब वापस लौटती है तो रास्ते में उसकी संदिग्ध मौत हो जाती है। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कमलनाथ ने अब एक पोस्ट के माध्यम से प्रदेश सरकार से सवाल किया है। और सागर में अधेड़ की हत्या और भतीजी की संदिग्ध मौत के बाद पीसीसी चीफ जीतू पटवारी परिवार से मुलाकात करेंगे। इसके पहले दिग्विजय सिंह युवती के अंतिम संस्कार में अंत्येष्टि में शामिल हुए थे। वासु हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, एक साल पुराने इस पूरे मामले में जिस तरह से अब सवाल उठाए जा रहे हैं, क्या तात्कालिक कारण अब तक इसके निकलकर सामने आ रहे हैं और क्या कुछ है डिटेल्स अपने पास? सागर में जिस तरह से एक व्यक्ति की हत्या हुई के बाद उनके परिवारजनों के साथ भी इस तरीके के जो मामले हैं वो सामने आए, आत्महत्या का मामला है वो भी सामने आया। दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो भी सागर पहुंचे थे और अब पीसीसी चीफ जीतू पटवारी की अगुवाई में एक कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल जो है वो सागर जा रहा है। वहां पर पीड़ित परिवार से अभी नेता जो है वो मुलाकात करेंगे और इसके साथ ही मुख्यमंत्री से जीतू पटवारी ने मांग ली थी इन तमाम मामलों को लेकर और बढ़ते हुए अपराध के ग्राफ को लेकर जल्द से जल्द समीक्षा की जाए और समीक्षा करने के बाद पूरे मामले में कार्रवाई जो है वो की जानी चाहिए और अगर कार्रवाई नहीं होती है, ठोस कदम सरकार नहीं उठाती है तो कांग्रेस सड़कों पर उतरने के लिए भी आप पूरी तरह से तैयार है। लिहाजा देखना होगा कि जब कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल सागर पहुंचेगा उसके बाद वहां पर क्या कुछ और जो घटनाक्रम है वो सामने आता है। जी, और परिवार से मुलाकात करने का भी समय लिया गया है? अब बिल्कुल, देखिए कांग्रेस के तमाम नेता जो है वो भोपाल से रवाना हो चुके हैं। जीतू पटवारी के साथ पीसी शर्मा और पूर्व मंत्री मुकेश नायक भी मौजूद हैं। वो जाकर वहां पर जो पीड़ित परिवार है वो उनसे मुलाकात करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले में पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है, आने वाले समय में क्या कुछ कार्रवाई करने की प्लानिंग है, इन तमाम बातों को लेकर जो पुलिस के आला अधिकारी हैं उनसे भी कांग्रेस का ये जो पूरा प्रतिनिधि मंडल है वो मिल सकता है। और कांग्रेस ने इस पूरे मामले को लेकर स्पष्ट कर दिया है कि अगर जल्दी कार्रवाई नहीं हुई तो फिर हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन प्रदर्शन भी करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए वासु। और चलिए बढ़ते हैं आगे, फटाफट अंदाज में खबरों पर नजर डालेंगे। शुरुआत करते हैं